हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक में विद सम डिफरेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो इधर साइन SIGN मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, SIGN से मेरा मतलब, तो SIGN साइन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिख लो, इक्वेशन मत लिखो बिकॉज इक्वेशन तो इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो ऐसे लिख लो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा तो मैं एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक ले लेता हूं, तो लेट माय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां मेरे ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है एज यूजल कॉन्स्टेंट, एंड माई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा तो अब देखना ध्यान से, इससे पहले मैं तुम्हें एक वैल्यू बताता हूँ, जैसे फंक्शनल वैल्यू क्या होती है। जैसे मान लो मैंने लेट्स से दिस इज माय पैराबोला और लेट्स से ये मेरा रूट्स है लेट्स से 1 और 3। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें बोला चलो ये क्वाड्रेटिक मेरी क्या होगी, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखो इसके रूट 1 और 3 है बाय ऑब्जर्वेशन, तो मैंने उसी हिसाब से ग्राफ बनाया है। तो अब मैंने बोला पहले मैं फंक्शनल वैल्यू बताता हूँ क्या होती है, तो मैंने बोला कि लेट्स से मेरे को निकालना है एफ ऑफ 1 क्या होगी, तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या, जहां जहां इधर x है इसमें इन्वॉल्व है वहां मैं x के 1 रख दूंगा, तो इधर आएगा 1² - 4 + 3 दैट विल बी 0, ऑफकोर्स 0 आएगा बिकॉज 1 इज द रूट। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू, ऐसे लिख लो फंक्शनल वैल्यू ऐसे लिख लो, या फिर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे लिख लो, और वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बोला एफ ऑफ लेट्स से एफ ऑफ 2 क्या होगा, तो व्हाट यू विल डू, 2 इसमें रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां 2 रखेंगे, तो 2 × 4 = 4 - 8 इज -4 - 4 + 3 इज 1 -1, सो दिस यू विल गेट अस -1। सिमिलरली मैंने तुम्हें बोला एफ ऑफ 5 क्या होगा, तो व्हाट यू विल डू, 5 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 5² - 25 - 20 5 + 3 8, तो 8 आ गया। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं ये पॉइंट्स को, देखो ग्राफिकली कैसे लोकेट करते हैं हम, जैसे मैंने यही वाला बोला एफ ऑफ 1, तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1 पे जाके देखा मैंने मेरा कर्व पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा 1, 0। फिर मैंने बोला लेट्स से ये वाला की बात करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 रखे थे हम, तो x इज इक्वल टू 2 पे गए, फिर इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट देखा, ग्राफ पे पॉइंट कैसे देखते हैं, वी विल डू अ वर्टिकल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, ग्राफ ने यहां कट किया इसको, उससे फिर मैंने ओरिएंटल लाइन बनाया, तो दिस इज माय -1, तो f ऑफ 2 इज -1, समझ में आया। जैसा f ऑफ 5 8 है, तो पहले हम x इज इक्वल टू 5 पे गए, पहले ये ग्राफ को और बना देता हूं, तो लेट्स से x इज इक्वल टू 5 पे गए, फिर मैंने बोला x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शनल वैल्यू क्या है, देखो एक्सप्रेशन था तो हमने इधर रख दिया था, मैं ग्राफिकली बता रहा हूं, तो 5 पे हमने एक वर्टिकल लाइन गए मतलब ऊपर जाते गए, ग्राफ ने जहां इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का मैंने y कोऑर्डिनेट देख लिया, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, बताया ना पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंज, तो इसका अगर y कोऑर्डिनेट जो है वही इस पॉइंट का होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 8। समझ में आया, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो मैंने अभी बताया हाउ टू रीड अ ग्राफ, ग्राफ कैसे रीड करते हैं। अब आते हैं एक्चुअली हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे, ये तो थोड़ा सा इंट्रो था, देखना अब सुनना ध्यान से, इसमें मैं 3 केसेस ले रहा हूं, ये तुम कॉपी कर लेना, मैं अब कर रहा हूं इसको, मैंने बोला 3 केसेस लेना, तो केस 1 इज, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे जो टॉपिक आने वाला है दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना, वो और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा मतलब ये नहीं समझ में आया तो वो नहीं आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, और उससे क्वेश्चन ये समझ लो जो टफ क्वेश्चन बनते हैं क्वाड्रेटिक में वो लोकेशन ऑफ रूट से ही बनते हैं, अभी तक जो पढ़ा दैट वॉज द इजियर पार्ट इन क्वाड्रेटिक, अगर जो अच्छे लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो बनते हैं दैट इज फ्रॉम द टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट, और उसके लिए ये चीज आना जरूरी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो केस वन मैंने लिया डी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0 का ग्राफ किस टाइप का होगा, जो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे, तो लेट्स से दिस इज द ग्राफ। ठीक है, और जहां कट कर रहा है लेट्स से मैंने उसके रूट्स मान लिया अल्फा एंड बीटा, तो ये हो गया अल्फा
ये हो गया मेरा बीटा, अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूंगा तो बीटा कॉमा जीरो एंड दिस इज अल्फा कॉमा जीरो, लेट्स से वाई एक्सिस मेरा कहीं यही है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं, हमें एक्स एक्सिस से मतलब है, ठीक है। अच्छा अब सुन रहा, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक क्या था, चलो ठीक है ऐसे रहने देते हैं। अब मैंने बोला लेट्स से ये वन है, एक मिनट के लिए, लेट्स से ये टू है, ये थ्री है, चलो एक मिनट, वन इसको टू मान लेते हैं, अल्फा को टू मान लेते हैं, फिर ये थ्री है, ये फोर है, बीटा को फाइव मान लेते हैं, बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, ठीक है, सिक्स है, ये लेट्स से सेवन है एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला, अब मुझे साइन के ऊपर कमेंट करना है, एस आई जी एन, मैंने बोला व्हाट इज एफ ऑफ वन फ्रॉम द ग्राफ, व्हाट इज एफ ऑफ वन क्या है, इसे मतलब मेरा है पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफकोर्स वैल्यू तो नहीं बताएंगे बिकॉज फंक्शन तो दिया नहीं है, एक्सप्रेशन तो दिया नहीं है, बट हाँ इस ग्राफिकल ग्राफ से हम इतना बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कैसे, वन एक्स इक्वल टू वन पे गए, यहाँ वर्टिकल लाइन देखा, ग्राफ ने कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, ये वाला, विच इज पॉजिटिव, हेंस दिस इज पॉजिटिव, क्लियर हुआ। अच्छा फिर एफ ऑफ टू तो दिख रहा है, एफ ऑफ टू क्या होगा, जीरो, वो तो रूट ही है जो एक्सेस कट कर रहा है। चलो अब मैंने बोला एफ ऑफ थ्री क्या होगा, एफ ऑफ थ्री तो पॉजिटिव या नेगेटिव से मेरा मतलब है, तो एफ ऑफ थ्री पे का वर्टिकल लाइन ने कहाँ कट किया ग्राफ को, इस पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो दिस इज नेगेटिव। सिमिलरली व्हेन यू विल कैलकुलेट एफ ऑफ फोर, तो वर्टिकल लाइन बनाई, इसने एक्स एक्स वाई कर्व को यहाँ कट किया, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर मूव करे तो दिस इज अगेन नेगेटिव, ठीक है, तो मेरा ये भी नेगेटिव आया। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, एफ ऑफ फाइव तो जीरो दिख रहा है, वो बीटा इज द रूट, व्हाट अबाउट एफ ऑफ सिक्स, फिर अगेन एफ ऑफ सिक्स के लिए पहले इसको ग्राफ को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, वर्टिकली मूव करे, इसने जहां कट किया उसका वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो क्या होगा, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव। सिमिलरली एफ ऑफ सेवन क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, एफ ऑफ सेवन क्या होगा मेरा, अगेन दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा तो अब हम कुछ कंक्लूजन लिखेंगे, क्या देखो अल्फा के जो भी पहले मैंने एक्स लिए, लेट्स से वन लिया, या लेट्स से इधर मैं 0.5 लेता, तो यू कैन यू विल सी कि पॉजिटिव आ रहा था। सिमिलरली बीटा के बाद जो भी मैंने एक्स रखा इसमें, जो भी एक्स इसमें रखा 6, 7, तब भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉइंट तो ये है नोटिस करने वाली बात। और अगर मैंने एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में ली, दैट्स इज 3 और 4, तो मेरा नेगेटिव आ रहा है आउटपुट, तो मेरा नेगेटिव आ रहा है। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, देखा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने, सुनना ध्यान से सुनना, अगर मैंने x की वैल्यू अल्फा से छोटी ली या फिर और यूनियन बीटा से बड़ी ली, दोबारा एक बार, अगर मैंने x की वैल्यू अल्फा से छोटी ली और बीटा से बड़ी ली, देन द एफएक्स मतलब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, देख रहा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज इन दोनों चीजों में मैंने क्या लिया, एक्स क्या लिया, अल्फा से पहले लिया या फिर बीटा से बाद में लिया, ठीक है क्लियर है। अभी लिखेंगे हम, डोंट वरी, प्रॉपरली लिखेंगे। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं। अब मैंने बोला अगर मैंने एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में ली, अगर मैंने एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में ली, तब मेरा जो एक्सप्रेशन का साइन होगा एफ एक्स का, दैट विल बी नेगेटिव, क्लियर है बच्चों। अब इसी को मैं जनरलाइज ऐसे तरीके से लिख देते हैं हम, ठीक है। ऑफ कोर्स और अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, बी ग्रेटर देन 0 प्लस पैराबोला इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड में उल्टा हो जाएगा सिनेरियो, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, तो पहले मैं इसको फॉर्मली, तुम लोग ऐसे कॉपी कर लो पहले, अब मैं इसको प्रॉपर लिखवा देता हूं, एक बार इसको कॉपी करो, यू हैव टू राइट दिस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है ना। चलो मैंने बोला अभी हमने क्या बनाया, अब मैं उसको प्रॉपरली मतलब ऐसे बोलो समरी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। क्या लिखा पहले, देखो पहले तो मैंने कर्व दोबारा बना रहा हूं मैं, लेट्स से दिस वाज द सिनेरियो, डी ग्रेटर देन 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0, दिस वाज अवर केस 1, मतलब डी ग्रेटर देन 0 के अंदर ही मेरा, मैंने दो सिनेरियो लूंगा, अभी पहला सिनेरियो चल रहा है अभी हमारा, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पैराबोला इज माउथ ओपनिंग अपवर्ड। फिर मैंने बोला कि लेट्स से ये अल्फा है और ये बीटा है, तो देखा मेरा कमेंट, ध्यान से सुनना, आप समरी क्या है, एफ ऑफ एक्स दिस विल बी, एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, कब होगा, व्हेन एक्स इज अल्फा से छोटा या फिर मतलब क्या होता है हमारा मैथ्स में,
यूनियन बीटा से बड़ा, तो मैं इधर लिख रहा हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। देखो करेक्ट लिखा है। अच्छा इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखूं, चलो इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखूं, इस चीज को फॉर ऑल एक्स ऐसे, चलो इसको हटा देता हूं, इसको लिख रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंटरवल को मैं क्या लिख सकता हूं लैंग्वेज फॉर्म में, दिस इंटरवल इज नथिंग बट आउटसाइड द रूट्स। इसको ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो, अभी बता रहा हूं इसका मतलब, आउटसाइड द रूट्स, ठीक है। अच्छा पर अब फर्दर कंक्लूड करते हैं, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया कब, माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। अब मैं लिख रहा हूं एफ एक्स लेस देन जीरो, अच्छा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, क्या लिखूंगा मैं, अल्फा टच टू बीटा, क्यों, अल्फा से बीटा अगर मैं कोई भी एक्स लूंगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एफ एक्स जो मिलेगा आउटपुट मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव, बिकॉज उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो दिस विल बी नेगेटिव फॉर ऑल एक्स लाइन बिटवीन अल्फा टू बीटा। तो यहाँ ये पूरे क्या पूरे कवर, एक्स पूरे एक्स कवर हो गए नहीं, अभी नहीं हुए, अल्फा और बीटा बचे क्योंकि इधर भी अल्फा बीटा पे ओपन है, इधर भी है, अब अल्फा बीटा के लिए अलग से लिख लिया, तो अल्फा बीटा पे तो क्या होगा, ऑफकोर्स जीरो, क्योंकि अल्फा बीटा तो रूट्स है, तो एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू कर्ली ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा, कर्ली ब्रैकेट इसलिए यूज किया बिकॉज इधर दो ही एलिमेंट है, डिस्क्रीट सेट है। तो समझ में आ गया ये समरी, एक बार और अब देखो मैं, हाँ जैसे मैं इसको चीज को बता रहा, इसको और लिख लो लैंग्वेज फॉर्म में, इनसाइड द रूट, इनसाइड द रूट, ठीक है। क्या लिखा हमने, एफ एक्स पॉजिटिव होगा आउटसाइड द रूट, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, ठीक है, ये इंटरवल तो अपने आप लिखा हो जाएगा जब तुम ऐसे याद रखोगे। तो मैंने क्या बोला, अच्छा ये माइनस अल्फा नहीं, दिस इज अल्फा, करेक्ट है, अल्फा है ना ये, नॉट माइनस अल्फा, ठीक है। एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर आउटसाइड द रूट्स, फॉर एक्स लाइंग बिटवीन आउटसाइड द रूट्स, मतलब फॉर द इंटरवल एक्स लाइंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा एंड बीटा टू इन्फिनिटी। एफ एक्स इज नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, ऐसे इनसाइड द रूट मत लिखो, बिटवीन द रूट्स लिखो, ऐसे लिखो बिटवीन द रूट, दिस इज प्रॉपर वर्ड, बिटवीन द रूट। एंड एफ एक्स इज जीरो एट रूट्स, ठीक है। अच्छा अभी हमारा क्या हुआ सिनेरियो, दिस इज फॉर डी ग्रेटर देन जीरो, अब लेस देन जीरो के लिए मैं लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, इसी में चेंज कर रहा हूं, नहीं एक काम कर दो सेपरेटली ही लिखता हूं ज्यादा बेटर रहेगा। सो चलो मैं इधर लिख रहा हूं, मैंने बोला चलो देखो इधर, दिस इज माय, हाँ सी हियर, अब मैं अगर चलो थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा बिकॉज आई वॉन्ट टू कंपेयर बोथ द थिंग्स, तो पहले तुम वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, एक काम करो, फिर मैं सेपरेटली डिस्कस करता हूँ, फिर हम एक साथ लिखेंगे दोनों को, तो तुम वीडियो पॉज करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैंने बोला अब हम केस वन के अंदर ही दूसरा सब पार्ट, व्हेन ए इज ग्रेटर देन लेस देन जीरो, दैट मीन्स पैराबोला इज डाउनवर्ड, तो देखना मैं लिख रहा हूँ डी इज, डी तो ग्रेटर देन जीरो है ही, हमारा केस वन ही चल रहा है अभी, ठीक है, और अब मैं ले रहा हूँ ए इज लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, तो इधर मैं शॉर्ट समरी हो जाएगी हमारी, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, केस वन ही चल रहा है वेयर डी इज ग्रेटर देन जीरो, इसके अंदर अब बी पार्ट, व्हेन ए इज लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ध्यान से सुनना बच्चों, तो अब देखो अब डाउनवर्ड के लिए मेरा ये है सिनेरियो, अब देखना ध्यान से कि लेट्स से जहां कट कर रहे हैं वो रूट्स मेरे अल्फा बीटा है, अल्फा एंड बीटा, अब देखो अब मैंने बोला अल्फा के अगर पहले मैंने एक्स लिया, लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है ही मेरा, मैंने बोला अल्फा के, और ये ग्राफ पूरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैंने बोला अल्फा के पहले अगर मैंने एक्स लिया, लेट्स से दिस इज द एक्स टेकन बिफोर अल्फा, तो इसके ऊपर वाई का वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, बिलो द एक्स एक्सिस है। फिर मैंने बोला अल्फा और बीटा के बीच में अगर मैंने कोई एक्स लिया उसके ऊपर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। फिर मैंने बोला बीटा के बाहर कोई एक्स लिया उसके ऊपर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी अगेन नेगेटिव। तो इधर कंक्लूजन लिखते हैं, देखो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पूरा नंबर नहीं ले रहा हूं, ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है ना, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या, देखो इधर मैंने लिखा एफ एक्स
इज नेगेटिव लेस देन जीरो. नेगेटिव का हो रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस, सॉरी माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी. और एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू बिटवीन द रूट्स. लिख लेना तुम इसको बिटवीन द रूट्स. एफ एक्स पॉजिटिव है अगर अल्फा मेरा एक्स और सॉरी एक्स अगर मेरा अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा तो जो एफ एक्स होगा एफ एक्स का जो साइन होगा दैट विल बी पॉजिटिव. तो इट इज पॉजिटिव फॉर एक्स लाइंग बिटवीन अल्फा टू बीटा. एंड लास्टली एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, मतलब ऐसे लिख लो डायरेक्टली फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू कर्ली ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा. आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना. अच्छा अब देखो, अब मैं इसके पहले वाला रिजल्ट और लिख लेता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, ठीक है ना. तो इससे पहले वाला जो था मैं इधर ही लिख रहा हूँ फॉर ए ग्रेटर देन जीरो, फिर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा उसके ऊपर उन दोनों पे, फिर हम एक जल्द कंक्लूड करेंगे साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. देखना ध्यान से, ये तो सिनेरियो मेरा कब हो गया? दिस इज द सिनेरियो व्हेन ए इज नेगेटिव. अच्छा अब मैं ए पॉजिटिव के लिए अभी हमारा क्या आया था, ए पॉजिटिव के लिए हमारा सिनेरियो क्या आया था कि एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. कब आया था हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन आउटसाइड द रूट्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी. और एफ एक्स इज लेस देन जीरो बिटवीन द रूट्स दैट इज अल्फा टू बीटा. और इक्वल्स एफ एक्स इज जीरो फॉर कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा. ये हमने अभी किया था इससे पहले. अब देखो ये वाला पार्ट तो सेम ही है, एफ एक्स जीरो है, एफ एक्स जीरो है बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एंड ऑफ कोर्स होगा अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो अल्फा पे तो रूट्स पर तो फंक्शन का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है ना. अच्छा बट इधर देखो ध्यान से, इधर सिनेरियो उल्टा हो गया. कैसे सिनेरियो उल्टा हो गया? एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है आउटसाइड द रूट्स, बट हियर एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बिटवीन द रूट्स. मतलब ये वाला चीज, ये वाला और ये, और एफ एक्स इज नेगेटिव हियर बिटवीन द रूट्स हियर आउटसाइड द रूट्स. तो मैं ऐसे याद रखना बिटवीन द रूट्स एंड आउटसाइड द रूट्स. क्लियर है बच्चों? तो अब देखो, अब मेरे को मान लो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे कमेंट करना है एस आई जी एन, तो मैं क्या बोलूंगा? जैसे अगर मान लो मुझे कंक्लूड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? अगर पैराबोला अपवर्ड है, सुनना ध्यान से, अगर पैराबोला अपवर्ड है तो मेरा जो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव आउटसाइड द रूट एंड नेगेटिव इनसाइड द रूट. एंड अगर डाउनवर्ड है तब मेरा पैराबोला का जो एक्सप्रेशन का साइन होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दैट विल बी नेगेटिव आउटसाइड द रूट्स एंड पॉजिटिव बिटवीन द रूट्स. तो मुझे इसको और इसको अलग अलग बोलना पड़ रहा है, मतलब मुझे ऐसा रिक्वायरमेंट लग रहा है कि अगर पैराबोला अपवर्ड हुआ तो ऐसा होगा, अगर डाउनवर्ड हुआ तो ऐसा होगा. सुनना एक बार ध्यान से, मैं क्या बोला? अगर मैंने बोला पैराबोला, मुझे अभी क्या किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, मतलब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए इनसाइड द केस वन मुझे दो सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है अगर पैराबोला अपवर्ड है तो ऐसा होगा, अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो ऐसा होगा. बट अगर मान लो मुझे ये यूज नहीं करना, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मुझे सिंपली ऐसा बोलना है फॉर डी लेस देन जीरो दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव दिस इज जीरो. मुझे इस चीज का रेफरेंस नहीं लेना है कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. इसका मतलब मैं इन दोनों कंडीशंस को क्लब करके लिख रहा हूं, बहुत स्मार्ट तरीके से लिखने वाले हम, बहुत स्मार्टली. देखना पहले इसको अच्छे से एक बार दिमाग में बैठाओ, क्या बोला मैंने एक बार और गो थ्रू करते हैं. मैंने बोला कि हमने प्रूफ किया कि अगर पैराबोला अपवर्ड है, ध्यान से सुनना, पैराबोला अपवर्ड है तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ना दैट विल बी पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स नेगेटिव इनसाइड द रूट्स. और इधर मेरा उल्टा हो रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है आउटसाइड द रूट्स, पॉजिटिव आ रहा है बिटवीन द रूट्स, ठीक है. तो मैंने वही बोला ये क्या है बेसिकली, साइन ही तो है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, दिस इज साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओनली. बट इधर क्या हो रहा है, मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा होगा अगर पैराबोला अपवर्ड हुआ, अगर डाउनवर्ड हुआ तो ऐसा होगा. बट मुझे एक साथ लिखना है, एक साथ से लिखना है, मतलब मेरे को आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्रिमिनेट इट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ ए, मतलब ए पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें उसके उसको छोड़ के मुझे इन दोनों को क्लब करना है एक तरीके से, ऐसे बोलो, ठीक है ना. मुझे या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मुझे जैसे मैंने बोला ना कि अगर ऐसा हुआ पैराबोला अपवर्ड हुआ तो ऐसा सिनेरी होगा, अगर पैराबोला डाउनवर्ड हुआ तो साइन ऐसा होगा. बट मुझे ये अगर वगैरह यूज नहीं करना कि अगर पैराबोला अपवर्ड हुआ, अगर डाउनवर्ड हुआ, नहीं, मुझे सिंपल एक ही स्टेटमेंट में लिखना है. तो देखो ध्यान से,
मैंने बोला कि देखो इंस्टेड ऑफ, सुनना ध्यान से सुनना, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन साइन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स पे साइन एफ एक्स के ऊपर कमेंट ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम ई एफ एक्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने कि हम इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन साइन ऑफ एफ एक्स, लिख लो वाले लिखना है तुम, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्या लिख रहे हैं, इंस्टेड इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन साइन ऑफ एफ एक्स, वी विल कमेंट ऑन एस आई जी इन साइन ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, अभी यूजफुल होगा। क्या कर रहे हैं, अब मैं ए एफ एक्स के ऊपर कमेंट कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ एफ एक्स। अब मजेदार चीज आने वाली, ध्यान से देखो। पहले मैंने देखा ए एफ एक्स, पहले तीनों इंटरवल के लिए डिस्कस करते हैं। तो लेट से पहले मैं आउटसाइड द रूट्स देख रहा हूं, आउटसाइड द रूट्स ठीक है ना। तो पहले मैं इधर लिखने वाला हूं कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, उससे पहले मैं इधर इंटरवल लिख रहा हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। तीनों इंटरवल लिख ले, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू अल्फा टू बीटा एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू कर्ली ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तीनों इंटरवल मैंने लिख लिए, ध्यान से देखना। अब ए एफ एक्स इधर क्या होगा, पहले इस इंटरवल के लिए लेट्स मी फर्स्ट डिस्कस दिस सिनेरियो। तो ए एफ एक्स इस इंटरवल के लिए क्या होगा, इस इंटरवल के लिए इधर ए पॉजिटिव था, एफ एक्स ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव आया। ठीक है, अब इसी इंटरवल के लिए मैं इधर देख लेता हूं क्या हो रहा है। इस इंटरवल के लिए दैट इज दिस इंटरवल, ए क्या है नेगेटिव, एफ एक्स क्या है नेगेटिव, तो लकीली ए एफ एक्स क्या है पॉजिटिव। तो देखो दोनों क्लब हो गए ए एफ एक्स पे। अगर मैं कमेंट ए एफ एक्स पे कर रहा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए एफ एक्स इज पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स। अब चाहे पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, इन बोथ द सिनेरियो इट इज वैलिड। क्या बोला, ए इंटू एफ एक्स इज पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स। सिमिलरली अब सेकंड वाला देखते हैं, मैंने बोला अल्फा से बीटा के बीच में ए पॉजिटिव है एफ एक्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हुआ। अब उस पर आते हैं अल्फा से बीटा के बीच में, ए नेगेटिव एफ एक्स पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ एक्स क्या होगा नेगेटिव, तो वही चीज आ गया नेगेटिव। तो ये भी हमारा बढ़िया चीज आ गई कि ए एफ एक्स नेगेटिव होगा बिटवीन द रूट, चाहे पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। अब मुझे वो चीज यूज नहीं करनी पड़ेगी कि ये पॉजिटिव होगा अगर पैराबोला ऐसा हुआ, मतलब बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होगा अगर पैराबोला अपवर्ड है, फिर अगर डाउनवर्ड है तो सिनेरियो ऐसा होगा, वो सब यूज नहीं करना पड़ेगा। अब हम सिंपली ऐसे बोलेंगे ए एफ एक्स इज पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स, ए एफ एक्स इज नेगेटिव बिटवीन द रूट्स फॉर बोथ द पैराबोला, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। और लास्टली दिस इज जीरो, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो नहीं आता है तो जस्ट वीडियो पॉज करो, रिमाइंड करो, देखो, क्योंकि काफी डिटेल में डिस्कस हुआ है। ठीक है, चलो अब हम बाकी के दो केसेस और देख लेते हैं, दैट इज फॉर डी नेगेटिव एंड डी इक्वल्स टू जीरो, फिर हम कंक्लूड करेंगे इनके ऊपर हम एक्चुअली हम कहां जाने वाले हैं, डेस्टिनेशन अभी हमारा क्या है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना, अभी तो मैंने साइन बताया है इसका, अभी एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होगा क्वेश्चन में इस टॉपिक का, वो हमें क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट। तो अब मैं ले रहा हूं लेट्स से डाउन, ये अपना इमेजिनरी वाला केस। तो केस टू डी इज लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो में हमारी दो सिनेरियो होंगे, अगेन एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अच्छा व्हेन दिस इज द सिनेरियो, थोड़ा फास्ट करेंगे बिकॉज ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस हो चुका है। तो अब मैंने बोला पहले मैं एफ एक्स में कमेंट कर रहा हूं, तो एफ एक्स क्या है, देखो इधर तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर पैराबोला पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर क्या होगा मेरा एफ एक्स, दिस हियर पैराबोला इज टोटली बिलो द एक्स एक्सिस एंड एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अच्छा और इधर ए क्या है मेरा पॉजिटिव है और इधर मेरा नेगेटिव है। अच्छा तो अब सुनो, अब मैं क्या बोलूंगा, फॉर केस टू फंक्शन इज पॉजिटिव इफ पैराबोला इज अपवर्ड, इफ फंक्शन फंक्शन इज एफ एक्स का जो वैल्यू एक्सप्रेस साइन होगा एफ एक्स का दैट विल बी नेगेटिव फॉर ए लेस देन जीरो। तो अगेन आई डोंट वॉन्ट टू यूज दीज टू सेपरेटली, मतलब दोनों केस में को एक साथ डील करने हैं, तो इन दोनों को ज्वाइंट करके मैं क्या लिख सकता हूं,
इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इससे दोनों कवर हो गए। अब मुझे वो नहीं बोलना पड़ेगा कि अपवर्ड है पैराबोला तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। देख लो इधर a क्या है, पॉजिटिव, एफ एक्स भी पॉजिटिव है तो a इंटू एफ एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। इधर a नेगेटिव, एफ एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें, फाइनल कंक्लूजन इस केस में, a एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इससे पहले वाले केस में तो हमारे तीनों सिनेरियो आ रहे थे, a एफ एक्स जो आ रहा था पॉजिटिव भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था। पॉजिटिव का आ रहा था, याद रख लो, रट लो उसको एकदम दिमाग में, पांच बार बोल लो। इससे पहले वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट था, ए एफ एक्स इज पॉजिटिव आउटसाइड द रूट, नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, इसको पांच बार दिमाग में बोल लो। ए एफ एक्स इज पॉजिटिव आउटसाइड द रूट्स, ए एफ एक्स इज नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, ठीक है ना, चाहे पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट केस पे, केस थर्ड। तो केस थर्ड में भी कोई दम नहीं है, डी इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन दो सिनेरियो होंगे, एक तो ये वाला सिनेरियो और एक डाउनवर्ड वाला, ठीक है। अच्छा तो अब मैं इसमें भी क्या होगा, जैसे एफ एक्स जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा बस, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, केवल एक जो रूट होगा इसका उस पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड हियर व्हाट आई विल से, फॉर ए नेगेटिव, दिस इज फॉर ए नेगेटिव एंड दिस इज फॉर ए पॉजिटिव। इधर क्या लिखूंगा, एफ एक्स जो है दैट इज नेगेटिव लेस देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। अगेन इन दोनों को क्लब करके लिखना है मुझे एक में, तो मैं इधर लिख रहा हूं, क्या लिखूं मैं, a इंटू एफ एक्स, देखना ध्यान से, a इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो क्या करेक्ट है, हाँ a पॉजिटिव एफ एक्स पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स, फॉर द सेकंड इसके अंदर जो डाउनवर्ड पैराबोला उसके लिए a नेगेटिव, एक्सप्रेशन का साइन भी नेगेटिव है, तो a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हो गया ये तीनों केस, अब हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। देखो केस टू और केस थ्री में, ध्यान से देखना सुनना, केस टू और केस थ्री में एफ एक्स कभी नेगेटिव हुआ क्या, सोचो, नहीं। एफ एक्स से मतलब, मेरा मतलब सॉरी ए एफ एक्स, आई एम कमेंटिंग ऑन ए एफ एक्स, मैंने बोला केस टू के अंदर ए एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या है, केस टू थ्री के अंदर ए एफ एक्स पॉजिटिव या जीरो है, नेगेटिव तो नहीं है। बट जो केस वन था मेरा, उधर तो ए एफ एक्स नेगेटिव आ रहा था बिटवीन द रूट्स, लिखवाऊंगा अभी मैं इसको, डोंट वरी। ए एफ एक्स नेगेटिव आ रहा था केस वन के अंदर, इन दोनों में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला केस वन था क्या, बेसिकली हमारा केस वन वॉज डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, सुनना ध्यान से कैसे कैसे मैं जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स को। मैंने बोला कि केस वन था उसमें मेरा ए एफ एक्स जो था वो नेगेटिव आ रहा था, इन दोनों केस में नहीं आ रहा, पहली बात तो, ठीक है। अब मैंने बोला केस वन है क्या, बेसिकली दैट करस्पॉन्ड्स टू डी ग्रेटर देन जीरो, लैंग्वेज फॉर्म में क्या है वो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा तो अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके कैन आई कंक्लूड कि अगर ए एफ एक्स नेगेटिव आया, ए एफ एक्स मतलब ए इंटू एफ ऑफ के, के सम नंबर, मैंने बोला ए एफ के अगर नेगेटिव आ गया किसी भी एक्स के लिए, चलो ऐसे लिख लो, ए एफ एक्स अगर नेगेटिव आ गया, एक भी ऐसा एक्स हमें मिल गया, एक भी ऐसा एक्स हमें मिल गया जिसके लिए ए एफ एक्स नेगेटिव आ गया, तो पक्का उस फंक्शन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, बिकॉज ए एफ एक्स नेगेटिव केवल और केवल केस वन में आता है, बाकी दो केस में नहीं आता, एंड सिंस केस वन जो है वो केस डी ग्रेटर देन जीरो के लिए, दैट इज रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ना थोड़ा फास्ट बोला मैंने, एक बार और कंक्लूड करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, थोड़ा लिखते भी जाऊंगा सो दैट तुम्हें आसानी रहेगी, तो वीडियो पॉज करो पहले ये कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो, देखना ध्यान से सुनना, मैंने बोला ए एफ एक्स, एक मिनट रुको, ए एफ एक्स पर कमेंट करें क्या, मैंने बोला देखो ए एफ एक्स कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव इन केस वन ओनली, पहली स्टेटमेंट, जो भी हमने तीन केस पढ़े, ए एफ एक्स कैन नेगेटिव किसमें, केवल केस वन में है। तो मैंने बोला
एफ एक्स कैन बी नेगेटिव इन केस वन एंड वन ओनली, देयरफॉर इफ ए इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो देन द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विल डेफिनेटली बी will definitely be real and distinct. समझ में आया क्या हुआ? जब उसने बोला कि जो ए एफ एक्स था ना, दैट कैन बी नेगेटिव ओनली इन केस वन, हमने देख लिया केस टू केस थ्री में तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा था या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा था. अब उसने बोला ये तो हो गया ठीक है, ए एफ एक्स इज नेगेटिव इन केस वन ओनली. फिर बोला उसने कि अगर मान लो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि ए इंटू लेट्स से एफ ऑफ वन इज नेगेटिव, जहां कुछ भी लिखाओ कोई भी एक्स लिखाओ ये नेगेटिव है ना, तो भाई अगर ए एफ एक्स नेगेटिव है तो भाई केस टू और केस थ्री तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज ए एफ एक्स नेगेटिव केस टू और केस थ्री में सिनेरियो जनरेट ही नहीं हो रहा था. मैंने बोला ए एफ एक्स नेगेटिव है इसका मतलब पक्का, दिस मीन्स दिस इंप्लाइज पक्का, ऐसे लिख लो हिंदी में लिख लो पक्का केस वन होगा, केस वन ही होगा प्रॉपर, ऐसे लिख लो और ऐसे लिख लो कॉमा केस टू एंड केस थ्री इज नॉट पॉसिबल. समझ में आया? सिंस केस वन पक्का होगा हैंस, और अच्छा एक चीज ऐसे लिखो सिंस केस केस वन पक्का होगा एंड द केस वन करस्पॉन्ड्स टू डी ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, क्या होगा क्वेश्चन में इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी होगी, फिर तुम्हें अगर ये रिजल्ट याद है तो तुम तुरंत कर लोगे. क्या कि अगर मान लो उधर ऐसे दिया है ए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया है, ए एफ वन बोला कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बोलेगा कि ए एफ वन नेगेटिव आ रहा है, व्हाट वी कैन कमेंट ऑन द अबाउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो वी विल से सिंस ए एफ वन इज नेगेटिव तो पक्का ये केस वन होगा, हैंस द रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर है? समझ में आया? अच्छा अब ये तो हो गया कि मान लो ऐसा दिया है. अब सुनना एक और इसी के अंदर, ये तो पहला कंक्लूजन हो गया नोट. सेकंड पॉइंट मैंने बोला अगर ए एफ के ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इफ ए एफ के ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तब मैं रूट्स पे क्या कमेंट करूंगा, तब हम रूट्स पे कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ए एफ के जो ए एफ एक्स है ना, दैट कैन बी ग्रेटर देन जीरो इन ऑल द थ्री केसेस, इन ऑल द थ्री केसेस ए एफ के कैन बी ग्रेटर देन जीरो, हैंस वी कैन नॉट कमेंट. मतलब ये जो सिनेरियो थे हमारे तीनों, लेट्स से ये था सॉरी, और चलो मैं अपवर्ड के लिए बना रहा हूं अभी हाल फिलहाल, ठीक है. मैंने बोला इस केस में भी लेट्स से अगर मैंने के इधर लिया तो ए एफ के क्या है? पॉजिटिव है. यहां कहीं भी ले लो ए एफ के पॉजिटिव है, यहां कहीं भी ले लो ए एफ के पॉजिटिव है. तो यू कैन सी ए एफ के पॉजिटिव है वो तो तीनों केसेस में आ रहा है, इसमें तो कोई खासियत मतलब पिक्यूलैरिटी नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, हैंस रूट्स मे और मे नॉट बी रियल. तो लिख लो इफ ए एफ के ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, मे नॉट बी रियल. और अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो ब्रैकेट में लिख लो सिंस ए एफ के ग्रेटर देन जीरो इज पॉसिबल इन ऑल द अबव थ्री केसेस. लिख लो सिंस, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में सिंस ए एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो इज पॉसिबल, इन ऑल द अबव थ्री केसेस, हैंस इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है तो हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, रूट्स रियल भी हो सकते हैं इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है ना. हाँ इससे पहले वाला जो सिनेरियो था वो इंपॉर्टेंट था, ए एफ के नेगेटिव है तो पक्का केस वन ही होगा, बिकॉज ए एफ के ए एफ एक्स नेगेटिव केवल केस वन में आता है, ठीक है. तो ए एफ के लेस देन जीरो दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना. और इसके ऊपर क्वेश्चन और करेंगे कि किस टाइप से बनते हैं, फ्रेम कैसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है. चलो उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट नोट देखना, मैं इसको रब कर रहा हूं, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट. मैंने बोला देखो द सिनेरियो इज सेकंड थर्ड पॉइंट, मैंने बोला ऐसे तो अभी क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, एफ एक्स इज माई क्वाड्रेटिक, एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव दिया मान लो, कहीं तो ऐसे इंफॉर्मेशन है एफ के वन इंटू के वन और के टू को एक्स की वैल्यूज है,
लेट्स से F1 into F2 बोल दिया उसने, अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत देखने में हो रही है तो ऐसे लिख लो F1 into let's say F3 is less than 0, ठीक है। अच्छा, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या होगा, दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, इसके अलावा तो कोई सिनेरियो बन नहीं सकता। अच्छा, अगर मान लो सिनेरियो वन है, तो लेट्स से अच्छा K1 K2 मान लो, लेट्स से ये K1 है और ये K2 है, ठीक है। और अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लो, लेट्स से ये 1 है ये 2 है और लेट्स से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसे मान लो। फिर हम दूसरा सिनेरियो, चलो इससे समझते ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा एब्जॉर्व करना ज्यादा आसान होता है। मैंने बोला F1 पॉजिटिव है, तो F1 पे जो मेरा ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो मेरा लेट्स से ये वाला पॉइंट आया ग्राफ पे, क्योंकि F1 पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव माना, और F3 नेगेटिव है, तो ये 3 है, लेट्स से ये 3 है, तो इसके ऊपर ग्राफ पे पॉइंट नीचे आएगा, नीचे आएगा कि नहीं, ऑफ कोर्स आएगा। तो अब मुझे ग्राफ यहां से यहां बनाना है, तो जब मैं बनाऊंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, करेगा ऑफ कोर्स करेगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई यहां यहां पे गया ग्राफ और ऐसे जंप कर गया और उचक के फिर इधर चला गया, नहीं, ग्राफ तो कंटिन्यूस है, पैराबोला है, पॉलीनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक्स एक्सिस कट करेगा, और हमें पता है जैसे ही उसने एक्स एक्सिस को कट किया वैसे क्या हो गया, रूट आ गया, बिकॉज एक्स एक्सिस को कट करना मतलब क्या होता है, रियल रूट। तो अब क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, क्या कि अगर FK1 into FK2 नेगेटिव है तो पक्का क्या होगा, रूट्स विल बी रियल, क्लियर है, वो हमने देख लिया। अच्छा, वो उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं, अगर मान लो F1 नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सिनेरियो इज F1 नेगेटिव है, 1 पे नेगेटिव है मतलब 1 वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर जो कर्व पे जो पॉइंट आ रहा है वो ब्लो एक्स एक्सिस आएगा, और F3 पॉजिटिव है तो मतलब ये वाला सिनेरियो हो रहा है, ये वाला पॉइंट आएगा। अब डेफिनेटली इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो भी फिर क्या होगा, मेरा जो ग्राफ है अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, द ग्राफ विल कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट किया मतलब क्या हुआ, रियल रूट्स, समझ में आया। अच्छा, एक तो बात हो गई कि ठीक है FK1 into FK2 नेगेटिव आया तो रूट्स विल बी रियल, ये पक्की बात है, ठीक है ना, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक और छोटा सा पॉइंट बोल सकते हैं कि जो रूट होगा, जो रूट होगा एक तो एग्जैक्टली एक रूट होगा, प्लस जो रूट होगा वो K1 और K2 के बीच में आएगा, द रूट विल लाई बिटवीन द इंटरवल K1 एंड K2, क्लियर है बच्चों। तो इसको लिख लेते हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ ग्राफ को, इधर लिख रहा हूँ, तुम लोग ड्रॉ कर लो इसको, ठीक है ना, जो मैंने बनाया नीचे। तो मैं लिखा इफ एफ के वन इंटू एफ के टू इज नेगेटिव, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, पहली बात तो ये, एंड ऑल्सो क्या बोला मैंने, रूट के बारे में कमेंट किया क्या, एंड ऑल्सो एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल K1, K2, दैट्स इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे उधर AFK नेगेटिव था तब भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, इधर FK1 into FK2 नेगेटिव है तब भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब इसी के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। मैंने बोला लेस देन जीरो की जगह मैं ग्रेटर देन जीरो पे कमेंट करता हूं, तो लेट्स से ये लेस देन जीरो की जगह मेरा इधर ग्रेटर देन जीरो है, अब क्या कमेंट करें, तो अगेन नाउ वी कैन नॉट कमेंट, जस्ट लाइक AFK ग्रेटर देन जीरो हो रहा था तो रूट्स रियल और इमेजिनरी हो रहे थे, वैसे ही सिनेरियो इधर है, क्यों है जैसे समझ लेते हैं इसको ग्राफिकली। मैंने बोला तीनों केस में हम दिखा देते हैं कि ये जो कंडीशन है वो तीनों केस के लिए आ रही है, हैस वी कैन नॉट जज ना, क्योंकि FK1 into FK2 मैंने प्रूव कर दिया कि रूट्स रियल होंगे, बट इसमें मैं बोलूंगा कि ये जो कंडीशन है दैट इज सेटिस्फाइड फॉर case 1, case 2, case 3 इन ऑल द 3 केसेस, हैस इट द रूट्स मे और मे नॉट बी रियल। कैसे, जैसे मान लो मैंने ये ग्रेटर देन 0 का लिया, लेट्स से ये मैंने K1 ले लिया, ये K2 ले लिया, तो देख रहे हो FK1 पॉजिटिव है, FK2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये केस, और ये है केस क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला रूट, क्या रियल डिस्टिंक्ट, तो मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं इस कंडीशन में। अब मैं और ऐसा बना रहा हूं ग्राफ, देखना, अब मैंने बोला लेट्स से ये, तो लेट्स से ये K1 है और K2 कहीं भी ले लो, लेट्स से ये K2 है, तो अगेन FK1 पॉजिटिव है, FK2 पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये केस है कौन सा, इमेजिनरी वाला। एक और लास्टली ले लेते हैं, मैंने बोला कि चलो इधर ही ले रहा हूं,
बी इक्वल टू जीरो वाला, तो इसमें भी लेट से मैंने केवल इधर ले लिया, के टू इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं भी ले लो, तो अगेन एफ के वन पॉजिटिव है, एफ के टू पॉजिटिव है, तो एफ के वन इंटू एफ के टू मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये कौन सा है, डी इक्वल टू जीरो वाला केस, रूट्स आर इक्वल, ऐसे लिख लो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो कुछ कमेंट निकला, मतलब इस अगर ऐसा दिया है कि कोई क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कैन वी कंक्लूड कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे, नहीं, ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर, हेंस वी रूट्स इधर लिख लो, दिस इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, जस्ट लाइक ए एफ के ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, बहुत ही ज्यादा ट्रूली, अभी तुम समझोगे, तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना तो देखना लोकेशन ऑफ रूट से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, और लोकेशन ऑफ रूट इसके बिना नहीं हो पाएगा, यही है एक तरीके से, ये समझ लो, ठीक है ना। चलो अब लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं इसमें, ये हो गया हमारा फोर्थ, इसको फोर्थ करके लिख लेना, ठीक है ना, इसको फोर्थ करके लिख लेना कि एफ के वन इंटू एफ के टू ग्रेटर देन जीरो है, इधर लिख लो रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, रूट्स मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी रियल, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट और है, उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशंस लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपरली इलस्ट्रेशंस लेंगे। सुनना क्या है, लेट्स से मैंने बोला देखना एक, ये पैराबोला अपवर्ड है, अपवर्ड के तीनों केस बना रहा हूं, लेट्स से ये है, ये है और एक ये है, ठीक है, और इधर मैं डाउनवर्ड के बना रहा हूं, और फिर इसके ऊपर कमेंट करूंगा कुछ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट करेंगे और उसका एप्लीकेशन हम एग्जांपल्स में देखेंगे। मैंने बोला ऊपर वाला केस तो था ए ग्रेटर देन जीरो के लिए और नीचे वाला ए लेस देन जीरो के लिए, ठीक है ना। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से सुनो, कि अगर मैंने इस पैराबोला अपवर्ड की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि जो पैराबोला ये लेंथ क्या है, पहले सबसे पहली बात, ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, ऑफकोर्स फाइनाइट होगी, ये लेंथ क्या है, यहां से यहां तक ये इंफिनिटी तक जा रही है, ये साइड वाली, तो ये दिस इज फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, बहुत छोटा सा पॉइंट है हालांकि, अब देखना, और इधर इधर क्या है, ये फाइनाइट है, और ये मेरा ये जो साइड की लेंथ है दिस इज इनफाइनाइट, और ये पूरी इनफाइनाइट इनफाइनाइट है सारी लेंथ, ठीक है, तो एक काम करते इसको रबी कर देता हूं, नो नीड ऑफ इट, जस्ट लीव इट, ये वाला तुम रहने दो, अगर बनाना है तो बना लो, बट उसमें इनफाइनाइटली लेंथ होंगी। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि फाइनाइट लेंथ है ये, और देखो ये पैराबोला अपवर्ड है, इस फाइनाइट लेंथ में मेरा एफ एक्स क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इस इंटरवल में अगर तुम जो भी एक्स लोगे वो सब एक्स एक्स के नीचे आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वाई, तो मैं क्या कमेंट कर रहा हूं देखना ध्यान से सुनना, मैंने बोला पैराबोला अपवर्ड है ना वो नेगेटिव होगा ओनली फॉर फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए नेगेटिव नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है कि ये लेंथ इतनी लंबी हो जाए बट फाइनाइट ही रहेगी, समझ में आया क्या बोला, लिख लो इसको स्टेटमेंट करके लिख लो, पैराबोला पैराबोला अपवर्ड कैन बी नेगेटिव इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, समझ में आया, दिस पैराबोला कैन बी नेगेटिव इन अ फाइनाइट लेंथ, सिमिलरली मैं अपवर्ड के लिए क्या कमेंट करूं, दिस कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव इन फाइनाइट लेंथ, पैराबोला लिख लो ऊपर वाले पैराबोला डाउनवर्ड कैन बी पॉजिटिव, तुम्हें लिखना है ये जो मैं ऐसे डैश डैश लगा रहा हूं, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, कैन बी पॉजिटिव इन एन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ, देख समझ में आया कि अगर पैराबोला डाउनवर्ड है, मतलब इसको ऐसे बोल सकता हूं, पैराबोला अगर अपवर्ड है ना तो वो नेगेटिव इनफाइनाइट लेंथ के लिए नहीं हो पाएगा, फाइनाइट लेंथ के लिए होगा नेगेटिव, एंड सिमिलरली इफ पैराबोला इज डाउनवर्ड तो वो पॉजिटिव इनफाइनाइट लेंथ के लिए नहीं होगा, एक फाइनाइट लेंथ के लिए दैट कैन बी पॉजिटिव, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा थियरी पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक, सो दिस विल बी अ क्वेश्चन, तो तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, ज्यादा सीखने मिलेगा एज कंपेयर टू जस्ट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन। तो देखना ध्यान से, उसने क्या बोला है, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी कैन से
कि रूट्स विल बी डेफिनेटली बी रियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला वाले पार्ट से। तो इधर मैंने लिख दिए चारों पार्ट, ये पहला पार्ट है इसका। ठीक है, चलो तो अब देखो, रूट्स डेफिनेटली बी रियल, इससे रिलेटेड अब आज ही की क्लास में हम दो चीज पढ़े, क्या क्या पढ़े, एक तो ए एफ के अगर नेगेटिव होगा तब मैं क्या बोलूंगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, और एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव होगा तब भी मैं बोलूंगा डेफिनेटली रूट्स विल बी रियल। तो उसके आधार पर अब हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो मैंने बोला ये तो दिख रहा है, ठीक है ये तो मेरा ए है, वॉट अबाउट दिस, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है मेरा। अब मैंने बोला व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, इधर मैं क्या रखूं कि ये आ जाए, ऑफ कोर्स वन, तो मेरा क्या आया ये एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो बेसिकली जो इक्वेशन लिखी वो किसमें लिख, क्या लिखी हमारी, ए इंटू एफ ऑफ वन नेगेटिव। अब मैंने बोला था ए एफ के अगर नेगेटिव हो गया, मतलब इधर कोई भी वैल्यू आ जाए x की, कोई भी वैल्यू के लिए अगर ए एफ एक्स नेगेटिव हो जाए तब मैं क्या बोलूंगा, रूट्स विल बी डेफिनेटली बी रियल, बिकॉज दिस कर दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इन केस वन, हेंस आंसर वन का होगा, हाँ इधर हम डेफिनेटली बोल पाएंगे रूट्स विल बी रियल सिंस ए इंटू एफ ऑफ वन इज नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, ये पहचानना है दिस इज एफ ऑफ वन। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन में है। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट करता हूं मैं सॉल्व, तो देखना, हालांकि ये तो काफी आसान था। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड में एक तो ये है और ये है, तो दिख रहा है एफ के वन इंटू एफ के टू टाइप का समथिंग टाइप दिख रहा है। तो पहले ये पहचानते हैं कि ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी क्या लिखा है, ए प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी। ठीक है, अच्छा अब देखो इस टाइप की चीज में ना सबसे पहले क्या करो, योर टारगेट शुड बी जो सी सी है ना उसका कोफिशियंट वन बनाओ। देखो मैं रिमेंबर रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सी का कोफिशियंट वन बनाओ। तो क्या किया मैंने, इसको ऐसे लिख सकता हूँ नाइन कॉमन लेके, नाइन कॉमन क्यों लिया, बिकॉज मुझे सी का कोफिशियंट वन बनाना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए बाय नाइन प्लस बी बाय थ्री प्लस सी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा इधर जो एक्सप्रेशन है ना, जो एफ एक्स था मेरा, यही मेरा एफ एक्स था, एफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने सी कोफिशियंट सेम बना लिया ना, अब मैं इससे कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर दीज टू देन आई विल डायरेक्टली गेट एक्स का वैल्यू कि ये किस एक्स पे आ रहा है मेरा। देखो इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर सी का कोफिशियंट वन बनाने के बाद, इफ आई कंपेयर दिस, कैन आई से दिस इज नाइन टाइम्स एफ ऑफ बी का वन बाय थ्री, बी का कोफिशियंट एक्स है तो क्या होगा ये एफ ऑफ वन बाय थ्री। अब तुम ए के साथ रख के देख लो क्या आएगा, ए इंटू वन बाय नाइन, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। अच्छा तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ नाइन। अब जो दूसरा ब्रैकेट था उसमें डील करते हैं, तो सिक्सटीन ए माइनस फोर बी प्लस सी, तो इसमें तो ऑलरेडी सी का ऑप्शन वन है। अब इन दोनों को कंपेयर करूं तो ए क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, नहीं माइनस फोर। तो बेसिकली दिस इज वॉट एफ ऑफ माइनस फोर। तो ओवरऑल मेरा क्या लिखा है, ये पार्ट लिखा है ऐसे, तो नाइन तो एक कॉन्स्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, चलो इसको बाहर लिख लिया मैंने, लगा एफ के वन इंटू एफ के टू क्या दिया उसने, ग्रेटर देन जीरो। अगर एफ के वन इंटू एफ के टू ग्रेटर देन जीरो तो क्या मैं रूट्स के बारे में कमेंट करता हूं, नहीं, बिकॉज एफ के वन इंटू एफ के टू जो ग्रेटर देन जीरो है ना, दैट इज पॉसिबल इन ऑल द थ्री केसेस, मतलब रूट्स कैन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स कैन बी इमेजिनरी और इक्वल ऑल्सो, हेंस इधर बोलूंगा रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, 100% रियल नहीं होगा, इसने डेफिनेटली पूछा है। तो पहले वाले में तो डेफिनेटली आया था बिकॉज ए एफ वन नेगेटिव है, दूसरे वाले में एफ के वन इंटू एफ के टू पॉजिटिव दिया है। हाँ अगर इधर ऐसे दिया होता, नेगेटिव दिया होता, ऐसा दिया होता साइन, तो मेरा ये हो जाता इधर, तब मैं बोलता रूट्स विल डेफिनेटली बी रियल, और जो रूट होगा वो लाई करेगा के वन और के टू के बीच में, वेयर बाय के वन इज वन बाय थ्री एंड के टू इज माइनस फोर। क्लियर है बच्चों, चलो अब आते हैं केस क्वेश्चन थर्ड पार्ट में। इसके थर्ड पार्ट में अब देखो, बहुत से लोगों को तो थर्ड पार्ट सोच रहे होंगे सर ने मिस्टेक कर दिया लिखने में, क्या मिस्टेक कर दिया, ऐसा बहुत से लोगों का होगा कि सर इधर सी की जगह ए होना चाहिए था, शायद मिस्टेक है, बट माय आंसर इज नॉट, दिस नॉट अ मिस्टेक, हियर सी है। ये तो बहुत से लोग इसको ए एफ के से रिलेट करते हैं कि सर इधर ए होता तो आंसर आ जाता, सी है तो वी कैन नॉट कमेंट, बहुत से लोग ऐसे भी जवाब होते हैं, क्या बोलते हैं, पहला देखो, पहला बच्चे लोग क्या बोलते हैं, चलो ये तो पहचान जाते हैं, दिस इज एफ ऑफ माइनस टू, बिकॉज कंपेयर करूंगा इसको एक्स स्क्वायर से तो एक्स आएगा माइनस टू, तो एफ ऑफ माइनस टू है, इधर माइनस टू रख के देख लो यही आएगा, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो ये तो क्लियर हो जाता है। यहाँ सी को जैसे मैंने बोला, बच्चे लोग दो
दो चीजें बोलते हैं, एक चीज बोलते हैं कि सर मिसप्रिंटिंग है शायद क्वेश्चन में, इधर ए होना चाहिए था, ठीक है ना। दूसरी चीज एक मिनट, हाँ दूसरी चीज और क्या बोल सकते हैं, नहीं एक तो यही हुआ c into f of minus 2, हाँ ठीक है चलो वो क्या बोलेंगे मिस्टेक है, here it should be a, तो आंसर इज इधर a नहीं होगा, इधर a होगा मतलब इधर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इस क्वेश्चन में इधर a नहीं इधर c ही है, ठीक है। तो आप क्या करें, तो फिर बच्चे लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं सेकंड कंक्लूजन कि सर इधर a होता तो हम कमेंट कर पाते हैं कि रूट्स विल बी रियल, इधर a नहीं है इधर c है therefore we cannot comment roots may or may not be real, this is the second answer which is a wrong one, दोनों जो मैंने बोला बच्चे लोग इंटरप्रेट करते हैं दे आर रॉन्ग। अब करेक्ट वन क्या है, देखो ध्यान से देखो सी को पहचानो, सी पे मैं क्या फोकस, क्या जब क्वाड्रेटिक के ग्राफ पढ़ाए थे तो सी को मैंने कुछ बताया था, सी इज व्हाट वाई इंटरसेप्ट एफ ऑफ जीरो होता है ना, इसमें एक्स की जीरो रखो तो सी आ गया, मतलब एफ ऑफ जीरो इज व्हाट सी, तो इधर से क्या आया एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ माइनस टू नेगेटिव, ये क्या हो गया एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव, क्या होगा रूट विल बी रियल और एग्जैक्टली एक रूट के वन और के टू के बीच में आएगा, वेयर के वन इज जीरो एंड के टू इज माइनस टू, तो माइनस टू और जीरो के बीच में एक रूट पक्का आएगा, माइनस टू और जीरो के बीच में, या तो पॉसिबिलिटी ऐसे ग्राफ की एक पॉसिबिलिटी ये है या फिर ये है, तो एक रूट तो आएगा ही आएगा इन दोनों के बीच में, तो केस थर्ड में हाँ, तो केस वन में हम बोल पाए, इसमें नहीं बोल पाए, इसमें बोल पाए। अब आते फोर्थ पार्ट पे, तो जिसने ट्राई नहीं किया वीडियो पॉज करो ट्राई करो, ठीक है अब हम देखते हैं। तो मैंने बोला जैसे भी इसको पहचानना है तो क्या करें, पहले सी को कोफिशिएंट वन बनाते हैं, तो उधर क्या लिखा है ए इंटू 49 कॉमन ले लिया, 49 ए इंटू ए बाय 49 प्लस बी बाय 7 प्लस सी, और ये लिखा है प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी प्लस सी। अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, और उसने बोल रखा है कि दिस इज नेगेटिव लेस देन जीरो, चलो तो ये हो गया 49 कॉन्स्टेंट है ए इंटू दिस इज व्हाट एफ ऑफ, इसको कंपेयर करो इससे तो एक्स की वैल्यू 1/7 मिलेगी, तो दिस इज एफ ऑफ 1/7 प्लस सी, अच्छा सी को अभी मैंने बताया सी को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ जीरो, सी इज व्हाट इधर एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ दिस इज माइनस वन नेगेटिव। अब बताओ क्या करें, तो अगेन इधर भी ऐसा बहुत से लोगों का ऐसे जवाब होता है बच्चों का कि अगर ये अकेला दिया होता लेस देन जीरो तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये अकेला दिया होता तो भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, बट इन दोनों का एडिशन दिया है देयरफॉर वी कैन नॉट कमेंट, दैट इज द रॉन्ग आंसर। अब सुनना, अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन सुनना, मैंने बोला कि दो क्वांटिटीज हैं इनका सम नेगेटिव है तो क्या हो रहा होगा, देयर विल बी इन टोटल थ्री सिनेरियोस, क्या होगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं क्या, नहीं दोनों पॉजिटिव तो ही नहीं सकते ना, बिकॉज दोनों पॉजिटिव का सम नेगेटिव कैसे आ सकता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब देखो ध्यान से इन तीनों केस में क्या हो रहा है, कम से कम एक तो नेगेटिव हो ही रहा है, मैंने बोला कम से कम इन दोनों में से कम से कम कम से कम इन दोनों में से इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा ही, नेगेटिव होगा ही, कम से कम बोला मतलब दोनों भी हो सकते हैं नहीं तो एक होगा एटलीस्ट नेगेटिव होगा ही एक, तो मैंने बोला एक नेगेटिव होगा तो भाई मेरा आंसर आ गया, कोई भी लेट्स से ये नेगेटिव है तो भी अगर ये नेगेटिव है तो एफ के नेगेटिव हैंस रूट्स विल बी रियल, अगर ये नेगेटिव है तो भी रूट्स हैं रियल, और अगर दोनों नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो भी रियल एंड नेगेटिव रूट्स आर रियल, तो फाइनली इसमें भी हम बोल पाए। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि आज का एप्लीकेशन था वो किस टाइप से बनेंगे क्वेश्चन, इस टाइप से जो भी हमने किया एग्जैक्टली, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी कर लो, दिस विल बी योर नाउ आई विल गिव यू होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, दो क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन वन फाइंड स्मॉल a इफ a प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, इस टाइप का तो हम पहले भी किए हैं, ठीक है ना, इनसे लास्ट क्लास में
ये उसमें था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप की चीज थी, इसमें सिंपली एक क्वाड्रेटिक है, तो बोला दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये आज के टॉपिक से रिलेट नहीं हुआ, ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ ये आज के टॉपिक से रिलेटेड है, लेट द इक्वेशन 4ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू जीरो हैज अ रूट अल्फा एंड विच इज रियल, तो ऐसे लिख लो ब्रैकेट में बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड द इक्वेशन एंड द इक्वेशन 5ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो हैज अ रियल रूट बीटा, देन प्रूव दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो विल हैव अ रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हल्का सा हिंट देता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए, उसमें क्या बोला है पहले एक बार रीड करते हैं। लेट द इक्वेशन दिस हैज अ रूट अल्फा एंड दिस हैज अ रूट बीटा, तो ठीक है इसका एक रूट दे रखा है, इसका एक रूट दे रखा है। अब उसने प्रूफ करने को क्या बोला है, अब नाउ फॉरगेट अबाउट दोस टू इक्वेशन, अब प्रूफ करने को बोला है कि ये इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो इसको तो उससे रिलेट करो। मैंने अभी लिखवाया था कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के1 एंड के2, तो अब सोचो मैंने बोला इस विल हैव अ रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो के1 के2 का काम ये कर रहे हैं, समझ में आया। तो दिस इज स्मॉल एंड, देखते कौन करता है। तो बस फिर आज के लिए इतना काफी है, अगर कोई भी दिक्कत आती है आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट में फील फ्री टू आस्क, डोंट वरी, ठीक है ना। और चीट देता हूं तो प्रॉपरली करो, मैं देख रहा हूं बहुत ही कम लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आई एम नोटिंग इट आउट, ठीक है ना। और जो जितना रिस्पॉन्स देगा उसके लिए फिर मेरा भी उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब फिर मैं उसकी तरफ थोड़ा और उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना, जिसका रिस्पॉन्स आएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।